लग रहा है और हम लोग अभी अकेले ही होते हैं। बाबा इनको इतना सर्दी हुआ दोस्तों, कोई दवा बताइए आप। पानी नहीं है, सिर्फ सुबह से पानी ही अगर नहीं, कल शाम से कल का भी कपड़ा ऐसे ही है और खत्म हो गया ऐसे समुच्चे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा मोहन ब्लॉग्स में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फिलहाल दोस्तों देखिए, अभी सुबह हो चुका है और हम लोग शॉर्ट वीडियो बना चुके हैं और आर्य पापा चले गए काम पे, मतलब सुबह नहीं 10:30 बज चुके हैं। और आर्य देखिए यहाँ पे भी नमकीन खा रहे हैं। आर्य क्या कर रहे हो? दोस्तों को दे दो, आ जाओ दोस्तों बुलाओ, आ जाओ खा लो। अरे मुझे खिला रहे हैं, तो देखिए नमकीन खा रहे थे कभी से, खत्म हो गया थोड़ा सा बचा है। और अभी हमारा चाय बन रहा है तभी हम चाय पियेंगे। और आर्य चाचा चले गए गाँव, रात को आर्य पापा गए थे छोड़कर, आए हैं 1 बजे आए हैं छोड़ करके। और इतना देर तक हम अकेले ही थे और काम भी था बहुत सारा, तो काम करना तो अभी काम करेंगे। और आर्य देखिए चाय मांग रहे हैं, चाय पियोगे? कैसे पियोगे? आर्य चाय पियेंगे। और देखिए आर्य कार्टून भी देख रहे हैं टीवी में देखिए। और यहाँ अभी हम बैठे हुए हैं दोस्तों, और अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कोई आ जाता है और 2-4 10 दिन ले लेता है और उसको अच्छा लगता है तो बहुत ज्यादा, मतलब बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता, सुनो सुनो लगता है। हाँ हाँ, तो इसीलिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, चले गए। लेकिन हम भी लोग भी जाएंगे गाँव, अभी नहीं जाएंगे, जाना है, लेकिन देखिए कब तक जाते हैं। हो सकता अगली दिवाली भी ऐसे जाए या बीच में भी चले जाएं, कोई मतलब गारंटी नहीं है कभी जाएंगे, लेकिन जाना है। और देखिए अरे कुकुर मांग रहे हैं, तो पापा के पास फोन करते हैं तब तो लेकर आएंगे। और अभी चल रहे हम लोग चाय पियेंगे, माँ बेटे हैं और पतिदेव तो चले गए काम पे। उसके बाद खाना वाना भी बनाएंगे, रात का चावल बचा उसी को फ्राई करेंगे। और अरे पापा भी थोड़ा खाते, सब लोग थोड़ा थोड़ा खा के चले गए थे और अरे पापा नहीं थे तो हम भी अकेले खाना, हमको खाने का मन नहीं कर रहा था तो हम भी थोड़ा सा ही खाए थे। और सब ऐसे पड़ा हुआ और दाल चावल भी बना देंगे और चावल फ्राई कर देंगे, हो जाएगा। सो देखिए अभी चलिए चाय वो पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाय। सो फिलहाल दोस्तों चाय वो पी चुके हैं और अभी फिलहाल खाना हमारा बन रहा है और हम खाना में बना रहे हैं दाल चावल और रात का भात जैसे बचाया था बताए थे, तो फ्राई करा इतना सारा है तो इतना खराब जाएगा। तो चावल थोड़ा सा ही बनाएंगे, एक कटोरी डालेंगे और दाल भी थोड़ा सा एक गिलास बनाएंगे, क्योंकि चावल है तो उसको एक लोग खाने के लिए है, एक जन को खाने के लिए है। तो हमको और आर्या के लिए दाल चावल बना, आर्य पापा को चावल फ्राई दे देंगे, उनको अच्छा लगता है। और देखिए आर्य चले गए और घर में भी झाड़ू लगाना है और इतना सारा काम वम है, इसको भी करना है। और देखिए अभी हमारा यहाँ पे चावल फ्राई होने जा रहा है, यहाँ पे प्याज व्याज काट दिए हैं और यहाँ पे चावल रखे, यहाँ पे देखिए गर्म हो रहा है और यहाँ पे दाल भी चढ़ा दिए हो रहा है और इसमें भी चावल बनाएंगे। और दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या ही बताएं, मेरा भी कभी कभी मन करता है ना ऐसा कि घर चले जाए, लेकिन दोस्तों क्या करें, घर जाएंगे फिर भी 1-2 महीने के लिए जाएंगे, लेकिन जाएंगे, जाना है। कभी कभी मन करता है जाए घूम कर आए गाँव, यहाँ पे रहते रहते बोरिंग होता है ना, इसीलिए मैं बाहर सोचती हूँ थोड़ा घूमने जाने के लिए। तो बाहर जाते हैं कभी कभी हम लोग, घुमाते हैं महीने में 2 बार एक बार, क्योंकि यहाँ पे हमको कभी कभी ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। और कोई गाँव जाता है तो बहुत ज़्यादा रोना आता है, अजीब लगता है कि हम भी जाएँ, लेकिन क्या करें, जाएंगे दोस्तों। इस बार तो सफरे हैं, इस बार जाएंगे और पहली बार जाएंगे गाँव, अपने खुद के गाँव में अभी जाएंगे, कब जाएंगे आप लोग को बताएंगे और देखते हैं गांव वालों का क्या रिएक्शन रहता है। और पहली बार जाएंगे ससुराल, क्योंकि हमारा गांव और हमारा घर और हमारा ससुराल एक ही जगह पे, बस एक ही गांव में थोड़ा थोड़ा दूर पे। सो भी जाएंगे, देखते हैं क्या होता है, कभी जाएंगे मालूम भी नहीं अभी, लेकिन सफरे हैं तो जाएंगे जरूर। और चलिए अभी चावल फ्राई कर लेते, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से हम। सो फिलहाल दोस्तों अभी हम काम कर रहे थे और काम भी हो चुका, भरा चुका है, सिर्फ सोल्डिंग करना है, तो अभी चल रहे हैं सोल्डिंग करेंगे। और पानी जैसे खत्म हो गया दोस्तों, ना बर्तन धोने के लिए पानी है, ना नहाने के लिए पानी है, ना कपड़ा धोने के लिए पानी है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, सिर्फ सुबह से पानी ही अगर रहे, कल शाम से कल का भी कपड़ा ऐसे ही है और खत्म हो गया ऐसे समुच्चे आ रहे दोस्तों, नहीं है तो क्या करे। और दोस्तों अभी देखिए अरे पापा खा चुके हैं और हम भी खाना वाना खा चुके हैं और खाना खाकर आराम करेंगे आधा घंटा, उसके बाद हम लोग ये काम पे जाएंगे अपना और हम अपना काम करेंगे। वो इतना सारा पीस आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों देना है। सो दोस्तों अभी देखिए आ रहे वहाँ पे क्या कर रहे आ रहे आप, कितने पैसे लिए हो, दिखाओ दिखाओ कितना पैसा है और पैसे क्या लोगे, पैसे से पैसे से क्या चाहिए, इनको कुकुर चाहिए। आप भी चलोगे? नहीं पापा का चाहिए। अभी इनको कुछ चाहिए ना, कुछ नहीं बोलेंगे,
तो दोस्तों व्लॉग यही सब था। और अरे चले गए, अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे रहते थे तो दिन भर इसी रूम में सोए रहते थे, हम अपना काम भी करते थे और इधर दिन भर रहते थे, तो थोड़ा कोई रहता है तो अच्छा लगता है, और चले जाते हैं तो एक दो चार दिन अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी चले गए और दो चार दिन में आने वाले फिर हमारे घर पे मेहमान, है ना। शनि संडे या मंडे तक आ जाएंगे, फिर जो दीदी आई थी वही आने वाली है, तो देखिए कब तक आती हैं, आ जाएंगी क्योंकि जिया का ऑपरेशन सही हो गया, तो अभी आएंगी फिर यहीं से घर जाएंगी, तो देखिए कब तक आती हैं। तो अभी चलिए, कुछ ज्यादा नहीं था ये सब था, अच्छा नहीं लग रहा है और हम लोग अभी अकेले ही होते हैं। बाबा इनको इतना सर्दी हुआ दोस्तों, कोई दवा बताइए आप लोग, इनका सर्दी ठीक हो जाए। और आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग दोस्तों हमें सपोर्ट करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, इस समय थोड़ा चैनल हम लोग का उठ रहा है, चल रहा है कुछ सब कुछ, तो प्लीज आप लोग और ज्यादा सपोर्ट करिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग का वीडियो चले और अच्छा लगेगा देख करके। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।